लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित लग रहे हैं। आलम यह है कि लोगों को जंगल में डेरा डालना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल रही हैं, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सूरजपुर जिला अंतर्गत ओडगी विकास खंड में मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्राम बेजनपाट के ग्रामीण बिहारपुर वन परिक्षेत्र के रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर डेरा डाले हुए हैं। मजबूर होकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कई पेड़ों को काटकर रहने के लिए झोपड़ी व खेत बनाने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों से जब उनकी राय जानी गई तो उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से विगत 5 माह पूर्व सड़क पानी की व्यवस्था देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आश्वासन ये भी था कि पानी के लिए भी बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, परंतु लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे ग्रामीण जंगल के अंदर नदी के किनारे अपना डेरा जमा कर रहने को मजबूर हो गए हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक व संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने बताया कि उनके लिए चिंता की जा रही है और जिला प्रशासन की ओर से सड़क निर्माण का कार्य बहुत जल्द चालू करा दिया जाएगा। पेयजल की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दरअसल जो ग्रामीण हैं वे 25 से 30 वर्ष से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में निवासरत हैं। यही कारण है कि उन्हें सड़क निर्माण कराने में प्रशासनिक स्तर पर दिक्कत आ रही है, वहां पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर ग्रामीणों ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वहां पर किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। पीने का पानी 3 किलोमीटर की दूरी तय करके घाट चढ़ाई करके मिलता है, साथ ही पेंशन राशन व शिक्षा की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। सूखा पड़ने की स्थिति में उन्हें डर होता है कि प्यास की वजह से कहीं दम ना निकल जाए। यही कारण है कि ग्रामीणों के द्वारा जंगल के अंदर झोपड़ी या मकान बनाकर रहा जा रहा है। सूरजपुर से अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। ग्रामीणों का कहना है कि कलेक्टर के आश्वासन के बाद भी 5 महीने तक सड़क बिजली पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, यही कारण है कि हम लोग जो जंगल को काट के बसना चाहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? आज हम लोग 20 साल से 25 साल से वहाँ बसे हैं, ये 5 महीना 6 महीना का मामला नहीं है, 2500 साल से वहाँ पर है। तो मूलभूत सुविधा जो 25 साल से नहीं हो पाया वो 5-6 महीने या साल भर में कैसे हो सकता है? मैंने बताया कि वो अधिसूचित क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया के साथ साथ राष्ट्रीय नेशनल पार्क है गुरु घासीदास का। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क होने की वजह से राज्य शासन चाहे भी तो बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, जब तक उसका अनुमति केंद्र सरकार से नहीं मिल पाएगा। फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया कि फॉरेस्ट वाले ही बनाए, 50 लाख रुपये सेंक्शन भी किए कि आप एजेंसी के रूप में आप काम करो और वो सुविधा देने का प्रयास करो, पर लोग समय नहीं देंगे तब तो कुछ हो नहीं पाएगा, समय देना ही पड़ेगा। हाँ बताइए, आप लोग बैजनपाट के है ना? हाँ। बैजनपाट से आज जंगल के अंदर आके निवास कर रहे हैं, क्यों? वहाँ विशेष पानी का समस्या है। हम लोग कलेक्टर के पास, विधायक के पास, मंत्री के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम लोग सोचे कि यहाँ पानी पीने के लिए नहीं पूर रहा है तो यहाँ सिंचाई का साधन कैसे होगा? नहाना धोना खाना पीना वहाँ असंभव है। इसलिए हम लोग जो है कि उद्देश्य बनाए कि अब नीचे चलते हैं और वहीं पानी के जगह पर रहेंगे। अब जैसा मंत्री मिनिस्टर करेंगे, यहाँ हम लोग जो है कि आके यहाँ रह रहे हैं और बसने के उद्देश्य से आए हैं, क्योंकि पार्क परिक्षेत्र गुरु घासीदास से ये बोले डायरेक्टर साहब कि आज नहीं कल तो भगना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो इस चीज़ को हम लोग पहले सुनते सुनते सोचे कि नहीं, बाद में तो और परेशानी हो जाएगा, धीरे धीरे चलते हैं पानी की ओर, इसलिए यहाँ आके जमे हैं। कितने लोग आए हैं? कोई साधन नहीं यहाँ, का कहना कलेक्टर साहब बोलना कि 1 महीने के बाद में कर दे, का कहना साधन कोई चीज़ नहीं, रोड चढ़ल ना पानी चढ़ल, यही से हमरे डेरा धर दिली, वहाँ हमारे खेती बाड़ी कुछ नहीं हो, खाई हमने चावल तो मिल जाता 35 किलो और का वहाँ हमन की कोई सिंचाई धुकाई का हमन के साधन नहीं है, न पानी पिए कि पानी वहाँ 8 रोज धूप मान लो बादल छा दिल प्यासे मर जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.